अभी मैं निकल रहा हूँ नेपाल, अभी रात के बज रहे हैं 12, जैसे कि आप लोगों को यहाँ से दिखा देते। तो अभी जो टाइम है वो हो चुका है रात के 12, और मैं और मेरा फ्रेंड सैंडी हम लोग निकल रहे हैं नेपाल के लिए अपने बाइक से। मैं जा रहा हूँ एवेंजर 150 से, और मेरा जो फ्रेंड है वो जा रहा है NS 200 से। और अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने नेपाल के लिए तैयारियाँ की है, और नेपाल के लिए जो बैकपैक्स किए हैं, हेलमेट दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, और साथ में मैं अपनी राइडिंग जैकेट यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रहा यहाँ पे मेरा वाइल्ड क्राफ्ट का रक्सैक बैग, और ये रहा रेन कवर सोलिमो का जो कि मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। और साथ में यहाँ पे देख रहे हैं अभी मेरे हेलमेट का जो गोप्रो है वो चार्ज हो रहा है, और साथ में यहाँ पे मैंने माउंट किया है ब्लूटूथ जिससे कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट रहूँगा। और यहाँ पे है अल्पाइन स्टार का जैकेट, और ये रहा एक बैकपैक, और इधर है हैंड स्लीव जो कि आप देख रहे हैं लेट स्लिम का, और ये है बलकलावा और जो कि है मास्क, और ये है मेरा राइडिंग ग्लव्स। यहाँ पे है बाइक, और ये पूरी तरह से सेट हो चुका है, मेरे फ्रेंड का बाइक का सेटअप। और यहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं टी ब्रेक के लिए, और ये हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं अब राइड पे। तो भाई हमारी जो राइड है नेपाल की वो चालू हो चुकी है, और यहाँ से काठमांडू जो है 519 किलोमीटर शो कर रहा है, 519 किलोमीटर। तो अभी हम लोग लगभग 400 से 500 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद रुक जाएंगे, और अभी रात के लगभग 1 बज रहे हैं और हम लोगों ने अभी राइड चालू किया। तो देखिए अब कब तक पहुँचते हैं। वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू आर न्यू हेयर। टी ब्रेक जो है वो हमने ले लिया, चाय पी लिया है, और अब राइड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये अभी यहाँ से घाटी चालू हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा हम लोगों को। और तो चलिए चलते हैं, और ये रात में पहली बार मैं घाटी क्रॉस कर रहा हूँ। ये लग फ़ोन को मैंने चार्ज में डाल दिया है, मैप लगा लिया है, और चलो भैया चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अभी जो है हम लोग बिहार पहुंच गए हैं, बिहार बॉर्डर पे, और यहाँ पे आगे चेक पोस्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे चेक पोस्ट भी है, और अभी हम लोग जस्ट बिहार बॉर्डर पहुंच, पटना 150 किलोमीटर। तो यहाँ से जो पटना है 150 किलोमीटर है, फिर हम लोगों को वहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है जो कि लगभग फिर से उतना ही डिस्टेंस पे है। हम लोगों ने सोचा है कि रेगुलरली यहाँ से बॉर्डर तक तो पहुँच ही जाएँ जो कि मेन चीज़ है, और लगभग बॉर्डर जो है यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। मेरा जो यार पीछे वाला बैग है बाइक पे नहीं, जो मैंने अपने कंधे पे टांग रखा है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसे अभी कहीं पे रुक के फिक्स कर लूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। राइडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वीडियो में, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट राइड है। बहुत सारी पॉसिबल चीज़ें मैंने लेने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी राइडिंग में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, और ये फर्स्ट राइड है तो ऑफ़ कोर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का
सामना करना पड़ सकता है। आई होप एवरीथिंग विल गो वेल। बिहार में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है यार कि जैसे ही बिहार बॉर्डर क्रॉस किया हूँ तो अभी तक तो रोड ठीक मिल रहा है, लेकिन आगे चल कर के रोड जो है वो बहुत ही ख़राब होने वाला है और वही हम लोगों का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लेगा। तो आगे है एक चौराहा, अगर मैं अपना बैग वहाँ पे ठीक कर लूँगा। आई होप कि आप लोगों को ऑडियो जो है वो अच्छा मिल रहा होगा। और मैं ड्राइव कर रहा हूँ एवेंजर 150 150 सीसी के गाड़ी से नेपाल। तो अभी मैं कॉल लगा रहा हूँ सैंडी को, कॉल लग चुका है। हाँ सैंडी बोलो। हाँ भाई एकदम ओके है और वीडियो भी चालू है। तो यहाँ पे ब्रेक लेना है क्या? सुनना, एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, बैग सही कर लेते हैं, आगे लेते हैं चौराहे पे। तो अभी अभी हम लोग पटना पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है अभी 6:19 और अभी हम लोग गंगा रिवर क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। और उमस जो है बहुत ही बेकार टाइप का यहाँ पे मौसम है, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो भाई देख लो, यही है पटना का गंगा नदी और ये जो ब्रिज है काफ़ी लंबा ब्रिज है। आप देख सकते हैं उस पार का मुझे अभी किनारा नज़र नहीं आ रहा है। पटना से पहले ही निकलते हैं। जलो मगर दिए की तरह, ट्रैक्टर पे लिखा हुआ है जलो मगर दिए की तरह। चलो भाई चलो। तो भाई देख लो, यही है गंगा नदी पटना का। अभी हम पटना पहुंच चुके हैं, 360 किलोमीटर और ड्राइव करना है काठमांडू के लिए। और पटना से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना चाहता हूं, क्योंकि जो यहां पे मौसम है वो बहुत ही, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को ऑडियो अच्छी तरीके से मिल रहा होगा। चलो 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 चलो, निकलो 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 निकलो, निकलने दो भाई निकलने दो, निकल गया। रोड जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या मतलब बेकार ही है। क्या हुआ सैंडी? हेलो। हाँ नीचे क्या है यार इधर? तो ये है बिहार की राजधानी और यहाँ पे है घर, और हम लोग का जो फर्स्ट स्टॉपेज होगा वो काठमांडू में होगा। तो अभी हम लोग पटना पहुंचे हैं और 359 किलोमीटर्स और हमें अभी चलना है काठमांडू के लिए। तो वीडियो को अभी यहाँ पे
बंद करते हैं और मिलते हैं आपसे पटना क्रॉस करने के बाद।